एकता अनन्य भक्त भगवान है, एक तत्व भगवान है और भक्त है। तो भक्त अनन्य भाव से जब चिंतन करता है तो वह भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। भगवान जो है वह भक्ति के अधीन है, भक्त के हृदय में भक्ति रहती, भक्ति जो है वह भगवान में भक्ति है और भक्त में भी भक्ति, भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति भक्ति है और भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति। भगवान भक्तों के भक्त हैं, यह रहस्य चरित्र में तो प्रकट होता है लेकिन स्पष्ट यह शब्द जनकपुर में प्रकट हुआ। जनकपुर में श्रुतदेव एक ब्राह्मण भक्त थे और उस समय तत्कालीन राजा जनकपुर के बहुदाश्य उनका नाम था। दोनों ही भगवान के भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे। दोनों के मन में आता था दूर दूर से चरित्र सुन रहे हैं, अब चलकर के भगवान का दर्शन करें। भक्त लोग भगवान के धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो यह श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुराष्ट्र राजा आज नहीं तो चलो कल चलेंगे, और सवेरा भया अपने नित्य नियम मेरे, देर हो गई आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे। सोचते सोचते बहुत दिन हो गया लेकिन द्वारकापुरी जाकर के श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सके। अब भगवान ने देखा कि भक्त तो यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो जिस तरह से भगवान का चिंतन भक्त जिस प्रेम से करता है, भगवान भी उसी प्रेम से भक्त का चिंतन करते हैं। भक्त दर्शन करना चाहता है द्वारकाधीश का, इसलिए द्वारकाधीश के मन में आया कि जनकपुर चल करके मैं दर्शन करूं। भगवान ने रथ तैयार कराए और बहुत से ऋषि मुनि महात्माओं को साथ लिया, क्योंकि जनकपुर के राजा भक्त हैं, योगी हैं, वहां सत्संग प्रधान होगा। स्वयं चलने के लिए तैयार हो गए, एक दो नहीं अनेक ऋषि मुनि रथों में बैठ करके जनकपुर की यात्रा के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी कथा को कहते कहते कह रहे हैं कि मैं भी था। सुखदेव जी ने कहा कि उस यात्रा में भगवान द्वारकाधीश के साथ मैं भी जनकपुर गया। जनकपुर पहुंचने पर भगवान ने सोचा कि दो भक्त हैं जनकपुर में, एक तो निष्किंचन ब्राह्मण। निष्किंचन उसको कहते हैं कि जिसके पास कुछ न हो, अपना कहने के लिए जिसके पास कुछ नहीं, अपने शरीर को भी वह अपना नहीं कहता है, उस भक्त को निष्किंचन कहते हैं। और परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ताते कहीं संत सुत तेरे, अत्यंत निष्किंचन भक्त ही भगवान को प्यारे हैं। यह बात वेद शास्त्र सब पुकार पुकार करके कहते हैं। और भगवान ने द्वारका लीला में रुक्मिणी जी के साथ संवाद में कहा कि निष्किंचना वयम शस्त्र शश्वत और निष्किंचन जनप्रिया। देवी रुक्मिणी, मैं तो निष्किंचन हूं, कुछ मेरे पास नहीं है, एक दिन का नहीं सदा सदा का मैं निष्किंचन हूं, और स्वयं जो जैसा होता है वह वैसे ही लोगों से प्रेम करता है। तो मैं चोर का प्रेम चोर से होगा, भक्त का प्रेम भक्त से होगा, तो जो जैसा होता है उसका प्रेम वैसे ही लोगों से होता है। तो मैं स्वयं निष्किंचन हूं, अपना कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और निष्किंचन भक्तों से ही प्रेम करता हूं। देवी, निष्किंचन भक्त नारद जी हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारी कथा वार्ता तुमको सुना दिया, उनकी बातों में तुम आ गई और तुमने झट हमको चिट्ठी लिख दिया और उपाय बता दिया हरण करने का, हम तुमको ले आए। मैं स्त्रियों का लोभी नहीं हूं, हमको स्त्रियों का संग्रह करने का, 16108 रानी पटरानियां हैं, इतने पर भी भगवान कहते हैं कि हमको स्त्रियों का लोभ नहीं है, मैं इनका संग्रह नहीं करना चाहता हूं और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम जबरदस्ती तुम्हारा हरण करके ले आए और तुम्हारी इच्छा हो तो चाहे जहां जा सकती हो। रुक्मिणी जी घबरा गई, भगवान हमारा त्याग करना चाहते हैं,
पंखा हाँक रही थी तो पंखा हाथ से गिर गया, रुक्मिणी जी को मूर्छा आ गई, गिर गई। भगवान ने उनको उठाया, जल के छींटे दिए, होश में ला करके तब भगवान ने कहा कि देवी मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, तुम में हम में कोई अंतर नहीं, आधा अंग हमारा तुम्हारा है, तुम्हारा आधा अंग हमारा, हम दोनों मिलकर के एक हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं हैं। इस तरह बहुत समझाया। भगवान ने कहा ये गृहस्थ आश्रम है और गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी कुछ विनोद करके आनंद लेते हैं, तो मैंने तुमसे विनोद किया था, कोई हम तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं, तुमको एक बार मैं किसी जीव को अपना लेता हूं, अपनाने के बाद उसका त्याग नहीं करता हूं। भगवान किसी भी जीव को अपनाते हैं, शरणागत को अपनाते हैं, अपनाने के बाद उसका त्याग नहीं करते हैं कभी, तो त्याग करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसा कहा क्यों? बोले मैं तुम्हारा मुख देखता तो प्रसन्न मुख तो रोज देखता था, मेरे मन में आया कि जब तुम नाराज होगी तो तुम्हारा मुख का दर्शन कैसा होगा, कभी नाराज तुम्हारा देखा नहीं, इसलिए हमने ऐसी बात कही, रुष्ट होकर के तुम कुछ उत्तर दो, तुम्हारे मुख की शोभा कैसी होगी, यह देखने के लिए मैंने ऐसा कहा था, लेकिन तुमने उसको परिहास को सत्य मान करके तुमको मूर्छा आ गई। भगवान ने बहुत समझाया, उस प्रसंग में भगवान ने अपने को निष्किंचन कहा, निष्किंचना वयम शश्वत। भगवान सर्वेश्वर हैं और सब कुछ भगवान का है, तो रुक्मिणी जी ने एक एक बात का उत्तर दिया भगवान को, अपने को आप निष्किंचन कहते हैं यह आपका कहना ठीक है, वस्तुतः जितना कुछ है संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत संपत्ति है, अनंत भक्त हैं, तो वह सब आप ही के हैं, सबके आप हैं, इसलिए इतने पर भी आप उनमें आसक्ति नहीं करते हैं। द्वारका है, इतनी रानी पटरानियां हैं, सब पर आपकी कृपा है, लेकिन उनको आप आसक्ति उनमें आपकी नहीं है, आप उनसे उनको अपना न मान करके संपत्ति को संसार की माया को किसी को आप अपना नहीं मानते हैं, इसलिए आप निष्किंचन हैं, यह आपका कहना सही है। भगवान ने रुक्मिणी की एक एक बात का उत्तर दे करके समझाया रुक्मिणी को, रुक्मिणी ने उत्तर दिया उनको भगवान को। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्तों से प्रेम रखते हैं, तो जिस भाव से भक्त चिंतन करता है उस भक्त को उसी भाव से चिंतन करते हैं। एक दिन भगवान महाभारत के युद्ध में ध्यान लगाए बैठे हुए थे, अर्जुन ने जाकर के देखा तो भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं, बैठे रहे, जब ध्यान खुला तो पूछा कि महाराज आप तो सर्वेश्वर हैं, सारा संसार आपका ध्यान करता है, फिर ये कौन सा नाटक कर रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि भक्त लोग मेरा ध्यान करते हैं और मैं अपने प्रेमी भक्तों का ध्यान करता हूं, इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? तो कहा कि इस समय मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। इस कहने का तात्पर्य जिस भाव से भक्त भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव से अपने भक्त को भजते हैं। भक्त जो है भगवान के वियोग में व्याकुल होता है तो भगवान स्वयं उसके वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, स्वयं भगवान वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। तो जनकपुरी के भक्त बहुलाश्वर राजा श्रुतदेव ब्राह्मण ये भगवान के प्रेम में व्याकुल थे और दर्शन करने द्वारका आ नहीं पा रहे थे, इसलिए स्वयं भगवान द्वारकाधीश रथों में ऋषियों मुनियों को साथ में लेकर के जनकपुर पहुंच गए। फिर सोचा कि यहां दो भक्त हैं तो क्या करें, एक भक्त के यहां जाएंगे तो दूसरा कहेगा अरे राजा के यहां जाएं तो बेचारा निष्किंचन गरीब ब्राह्मण कहेगा कि राजा राजा के यहां चला गया, मैं तो निष्किंचन ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के यहां चले जाएं तो राजा सोचेगा कि भगवान तो ब्राह्मणों को आदर देते हैं, मेरे यहां नहीं आए, ब्राह्मण के यहां चले गए। इसलिए भगवान ने दो रूप धारण किए,
एक साथ ही राजा के यहां गए और उस ब्राह्मण के यहां भी गए और जितने ऋषि मुनि साथ में आए थे सब ने दो दो रूप बना लिए, सब दो दो रूप सबके हो गए और एक साथ ही बहुलाश्व राजा के यहां गए और उधर उस ब्राह्मण के यहां गए। बहुलाश्व राजा के यहां गए तो राजा ठहरे, राजा ने बहुत बड़ा स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण का, ऋषि मुनि महात्माओं का स्वागत किया, स्नान कराया, सबको ला करके ठहराया, सबको भोजन कराया और नित्य बैठ करके सत्संग होता। राजा जनक की सभा में बहुलाश्व के दरबार में भगवान श्री कृष्ण प्रवचन करके, ऋषि मुनि महात्मा लोग प्रवचन करते, सत्संग करते, इस तरह से यहां आनंद हो रहा। और उधर श्रुतदेव ब्राह्मण के यहां भगवान पहुंचे। भगवान पहुंचे तो भगवान को आया देख करके हृदय में इतना बड़ा आनंद उल्लास हुआ कि स्वागत करना भूल गया। क्या स्वागत करें इनका यह समझ में नहीं आया तो अपना वस्त्र जो था ऊपर उछाल उछाल करके नाचने लग गए। प्रेम में व्याकुल होकर के, प्रेम के आनंद में भर करके वह श्रुतदेव ब्राह्मण नाचने लग गए, स्वागत करना भूल गए। तो भगवान ने थोड़ी देर तक तो उनके प्रेम को देखा, अब फिर सावधान किया और कहा कि देखो मेरे साथ में बहुत से ऋषि मुनि हैं, इनका स्वागत करो। तब उन्होंने नाचना बंद किया। उन ऋषि मुनियों के लिए कुश के चटाई के जैसे कुछ गरीब ब्राह्मण के यहाँ आसन थे, सबको बैठने के लिए दिया, सबके चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, सबको चंदन लगाया, फल फूल जो था सबको खाने के लिए दिया। इस तरह भगवान ने वहां उस समय भगवान ने अपना भक्त प्रेम प्रकट किया और श्रुतदेव ब्राह्मण को, सभी ऋषियों मुनियों को संवाद राजा के दरबार में संवाद हुआ होगा लेकिन उसका उल्लेख नहीं हुआ। और अंत में निष्किंचन ब्राह्मण के यहां जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख भागवत में हुआ। उस निष्किंचन ब्राह्मण ने कहा कि भगवान कृपा करके आप पधारे, आपने दर्शन दिया, कोई आश्चर्य नहीं। अरे हम जीवों जीव आपको, एक जीव नहीं सब जीव आपसे प्रकट हुए हैं और जिस तरह से पिता माता का स्नेह अपनी संतान पर होता है उसी तरह से आप प्रत्येक जीव पर प्रेम करते हैं। हम जीवों के दोषों को नहीं देखते हैं, जिस तरह माता पिता की दृष्टि में छोटे छोटे बालकों का दोष नहीं आता है, दोषों को नहीं देखते हैं, उसी तरह से हम जीवों के दोष आप नहीं देखते हैं। आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा और संसार के पिता माता इतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना प्यार आप में है। संसार के पिता माता में प्यार कहाँ से आवे, आप में अखंड और प्यार है, वात्सल्य है। उस अखंड अपने प्यार से, वात्सल्य से आप जीवों पर बड़ी भारी कृपा करते हैं। मेरे ऊपर कृपा करके आ गए, नहीं तो हमको दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता, बड़ी भारी आपने कृपा की। और एक ज्ञान की सी बात कही, यह शरीर आज हम हमसे आप मिल रहे हैं, यह मिलन भी हमारा आपका कोई नया नहीं है। हमारा आपका जो आज यहां मिलन हो रहा है यह नया नहीं है, सदा सर्वदा हमसे आप मिले भए हैं, हमसे आप दूर नहीं हो रहे हैं। कैसे, उनका सबसे पहले तो पांच तत्वों के द्वारा यह शरीर भया मिला है तो पांच तत्व संगठित भए तो शरीर बना, तो उन प्रत्येक तत्व में स्वयं आप व्याप्त, कोई ऐसा तत्व नहीं जिसमें भगवान न हो। भगवान पृथ्वी में है, वायु में है, अग्नि में, जल में, सब में भगवान है। तो जब सब में आप है ही है और उसके बाद फिर आपने पंच तत्व से यह शरीर बना, शरीर में जीवात्मा, तब तक यह चैतन्यता शरीर में नहीं आई जब तक आपने उस शरीर में प्रवेश नहीं किया। सृष्टि करने के बाद भगवान ने जब प्रवेश किया तब उसमें चैतन्यता आई। तो यह इसलिए हम आपसे अलग कभी नहीं, हमारा आपका सदा मिलन है। लेकिन आज आपने जो कृपा करके इस दिव्य स्वरूप से, द्वारकाधीश श्री कृष्ण रूप से आपने आकर दर्शन दिया, इसमें आपकी कृपा प्रधान है। हम चाहते तो, हम तो बहुत दिन से चाह रहे हैं लेकिन हम आप तक नहीं पहुंचे।
हम चाहते थे कि आपका दर्शन करें, लेकिन हम चाह करके भी आपका दर्शन नहीं कर सके, और आपने कृपा किया तो यहां आकर के दर्शन दिया। वहां पर सुखदेव जी कहते हैं, एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। इस तरह से भगवान 2 महीने तक जनकपुर में रहे, और उषित्वा उषित्वा माने निवास करके, और सन्मार्गम सन्मार्ग का उपदेश दे करके भगवान ने जनकपुर के भक्तों को सन्मार्ग का, सच्चा रास्ता क्या है, किस रास्ते से चलना चाहिए, क्या साध्य है, क्या साधन है, सबका उपदेश भगवान ने सबको दिया। उषित्वादिश्य सन्मार्गम, और कौन से भगवान ने, तो भगवान भक्त भक्तिमान। वहां पर श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्तों का भक्त कहा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के भक्त हैं। भक्त भक्तिमान, भक्तों में जिनका प्रेम है, वे भगवान 2 महीने रह करके सन्मार्ग का उपदेश दे करके पुनर्द्वारवती मगाद, पुनः आप द्वारका को पधारे, द्वारका में आप आए। यह रहस्य जनक भगवान, रहस्य तो चरित्रों में सब जगह विदित है, लेकिन स्पष्ट शब्द भगवान भक्त के भक्त हैं, यह स्पष्ट शब्द जनकपुर में प्रकट हुआ। प्रेम का धाम, ज्ञान का धाम जनकपुर, वहां ये रहस्य जो है खुला, इससे सब लोगों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। इसलिए यह निश्चित हो गया कि भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं, और भक्त कहे सो करे निरंतर। यह सृष्टि क्यों की, सृष्टि का करने का कारण क्या, तो अकेले भगवान को अच्छा नहीं लगता, अकेले किसी को अच्छा नहीं लगता, तो एको हम बहुश्याम, मैं एक अनेक रूप वाला हो जाऊं, इस इच्छा से भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि क्यों हुई, तो सो केवल भक्तन हित लागी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सृष्टि का विस्तार केवल भगवान ने अपने भक्तों के लिए सृष्टि किया है, और सृष्टि में भक्त हैं, और उन भक्तों के साथ में भगवान की विविध प्रकार की लीलाएं हैं। भगवान भक्तों के साथ तरह तरह के चरित्र करते हैं, अकेले उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए अनंत भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करके स्वयं आनंदित होते हैं और भक्त को भी आनंद देते हैं। यह सृष्टि का कारण है, नहीं तो भगवान को सृष्टि की आवश्यकता भी नहीं थी, क्या जरूरत थी सृष्टि करने की। तो सृष्टि जो हुई है वह भक्तों के लिए सृष्टि हुई, भ्रष्ट भक्तों की सृष्टि जो है वह करके भगवान उन भक्तों के साथ पीड़ा करके आनंद लेकर के अपने चरित्रों का विस्तार करके इस योग्य लीला करते हैं कि जिस लीला का गान किया जा सके। माता कुंती ने अपनी स्तुति में स्पष्ट किया है कि आप का अवतार क्यों होता है, अवतारवाद का जो रहस्य है उसको माता कुंती ने स्पष्ट किया। माता कुंती ने कहा कि भगवान, अगर आपका यह अवतार न हुआ होता, इस बाल कृष्ण श्री कृष्ण रूप से आप प्रकट न हुए होते, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा किसका ध्यान करते, तो उनको ध्यान करने के योग्य आपने शरीर प्रकट किया, आपने अपना कृष्ण स्वरूप इसलिए प्रकट किया, इसलिए उसका दर्शन दिया कि आपका लोग ध्यान कर सकें। यह आप प्रकट न किया होता आपने, तो भक्त लोग किसका ध्यान करते, इसलिए भक्तों के लिए ही आपका यह अवतार हुआ। पुनः आपने लीलाओं का विस्तार किया, और लीला का अगर विस्तार न करते, भक्त लोग अपनी वाणी से क्या गान करते, गाने का विषय कुछ नहीं था, तो आपने लीला इस प्रकार की थी कि भक्तों के गाने के लिए हो गया। तो कहने का तात्पर्य, आपका जितना कुछ चरित्र है वह ऐसा विस्तार इसलिए किया कि भगवान हमारे भगवान के चरित्र को भक्त लोग गान करके और आनंदित हों। रूप आपने इसलिए प्रकट किया कि आपके रूप का ध्यान करके, दर्शन करके भक्त लोग आनंदित हों, इसलिए आपका अवतार होता है, मुख्य प्रयोजन यही है। और कुछ लोग और बात बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह यदुवंश मलयाचल पर्वत के समान है, इसकी
कीर्ति को बढ़ाने के लिए, इसलिए मलयाचल पर जैसे चंदन होता है, चंदन मलय पहाड़ की कीर्ति को बढ़ाता है, उस तरह से यदुवंश में प्रकट होकर के यदुवंश की कीर्ति को आपने बढ़ाया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर दुष्टों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ये सब कारण गौण हैं, मुख्य कारण तो आपका यह है कि भक्तों के लिए आपने अवतार लिया, नहीं तो पृथ्वी का भार उतारने का प्रश्न है। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपको अवतार लेने की जरूरत नहीं है, अपने धाम में आप बैठे हैं, पृथ्वी पर भार बढ़ गया तो आप सत्य संकल्प हैं, वहीं बैठे बैठे आप इच्छा करें कि पृथ्वी का भार नष्ट हो जाए, दुष्टों का नाश हो जाए, तो बिना अवतार लिए पृथ्वी के दुष्टों का नाश हो जाएगा, सत्य संकल्प श्री कृष्ण है। तो इसलिए दुष्टों का नाश करने के लिए आपको अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपने संकल्प से भक्त के मनोरथ को आप पूरा नहीं कर सकते। शबरी वन में रहती है, गुरु महाराज कह गए हैं कि यहीं रहो, अभी भगवान का अवतार भी नहीं हुआ है, भगवान यहीं आकर के तुमको दर्शन देंगे। तो वह शबरी को दर्शन देना जो है वह आप अपने संकल्प से नहीं कर, उसके लिए तो प्रत्यक्ष आपको जाना पड़ेगा। ऐसे भक्तों के मनोरथों को पूर्ण आप अपने संकल्प से नहीं कर सकते, उनके लिए तो प्रत्यक्ष जाकर के उनके सामने उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए आपका अवतार का कारण भक्त ही है, भक्तों को सुख देने के लिए आपके अवतार होते हैं, यह रहस्य मैं कह रहा था कि श्री ब्रह्मा जी के मोह का वर्णन किया। तो ब्रह्मा जी नाभा के रूप में आए और गुरु महाराज की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त करके, और इसलिए भक्तमाल में लिखा है कि काढ़ो गाभा वेद को। भक्तमाल क्या है? तो वेद का गाभा का होता अंकुर, वेद का अंकुर है भक्तमाल, और ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले और ये ब्रह्मा जी है नाभा जी, इसलिए इनके मुख से जो कुछ निकला वह वेद का अंकुर निकला। भक्तों का चरित्र वेद में व्याप्त है और उसे दूसरा कोई प्रकट नहीं कर सकता था, इसलिए ब्रह्मा ही नाभा के रूप में प्रकट हुए और भक्त चरित्रों का उन्होंने वर्णन किया। जो व्याप्त था भक्त चरित्र, उसका उन्होंने वर्णन किया और वर्णन करने के बाद श्री भक्तमाल में लिखा है कि नाभा जी ने भक्त चरित्रों की माला बनाई, भक्तों का चरित्र बना करके माला में वैजयंती माला, पांच रंग जिसमें हैं, पंच रंगों की माला आपने बनाई। भक्ति के पांच रस होते हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार, इन पांच रंगों की भक्तों की माला आपने बनाई और माला बना करके आपने प्रिया प्रीतम को पहनाई। नाभा नाम करके अली, अली माने सखी होता है, तो नाभा जी सखी स्वरूप से, नाभा जी को अग्रदास नाभादि सबये सखी राम सीता की, अग्रदेवाचार्य नाभा जी ये सब भगवान श्री सीताराम जी की सखियां हैं। तो माला बना करके श्याम सुंदर को पहनाने के लिए यह भक्त माला ले गई, ले जाकर के भगवान को धारण कराया, जुगुल प्रिया प्रीतम को यह भक्त माला उनको धारण कराई। माला कोई भी माला होती है तो पहनी जाती है और पहनने के बाद उसे उतार दिया जाता है, लेकिन यह भक्त माला भगवान ने इसको धारण किया तो धारण करने के बाद उतारा नहीं। धारी उर प्यारी किहों करत ननियारी, प्रिया प्रीतम ने इसको धारण कर लिया तो अपने हृदय से इसको कभी नहीं उतारते, क्योंकि भक्तों की माला है, भक्तों का अपने शरीर में अपने गले में सदा सर्वदा संपर्क बना रहे, गले में भक्त जो है वह भगवान के गले में है, भगवान ने मारे प्रेम के उस माला को गले में धारण किया,
वक्षस्थल में गले में धारण करना चाहते हैं और भक्त लोग भगवान के चरणों की ओर झुकते हैं। माला जो है वह चरणों की ओर झुक करके भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। इस तरह से भक्त माला को ब्रह्मा जी ने नाभा के रूप से भक्तमाल को बना करके भगवान को पहनाया। तो वहां जो भक्तों का वियोग कराया था, वियोग जन्य जो अपराध हुआ था, यह भक्तमाल धारण करके भक्तों का संयोग कराया, अपने अपराध का सच्चा शुद्ध और प्रायश्चित किया। प्रायश्चित होने पर भगवान भक्तमाल को धारण करके ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न हुए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने यह भक्तमाल की रचना का उपक्रम है। वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद।